साथियों नमस्कार। अभी अभी की पूरे देश में साथियों शोक की लहर छा गई है। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री के परिवार में साथियों बुरी तरह से रोयाधाड़ मच गई है। दो मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर है साथियों, आपको बता दें कि जो अभी की खबर निकल कर आ रही है, मुख्यमंत्री के परिवार में बुरी तरह से मातम पसर गया। साथ ही दोस्तों बात करें, पूरी तरह से चीख पुकार मची है, बड़े बड़े नेता सभी साथियों भावुक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक की बात करें सभी देश के नेताओं ने शोक संतप्त किया है। यही साथियों आपको बता दें, जी हाँ खबर आ रही है मुख्यमंत्री के परिवार में भी अचानक निधन से पूरे परिवार में शोक की लहर छा गई है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम यादव की पत्नी साधना यादव का निधन हो गया है। साधना गुप्ता पिछले कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती थी। साधना पिछले काफी समय से बीमार चल रही थी। साधना उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव की सौतेली माँ थी। साधना मुलायम सिंह यादव की पत्नी दूसरी पत्नी थी। साधना यादव के बेटे का नाम प्रतीक यादव है, उनकी बहू अपर्णा यादव है। मुलायम सिंह यादव ने पहली पत्नी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की माँ मालती देवी का निधन 2003 में होने के बाद साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी के रूप में सम्मान्यता दी थी। वहीं साधना गुप्ता के निधन के बाद गुरुग्राम के अस्पताल के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लग गया है। पूरा यादव परिवार भी मेदांत अस्पताल पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि साधना गुप्ता का अंतिम संस्कार लखनऊ में किया जाएगा। बुरी खबर। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।